तो दोस्त हाथी और गधा। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उन्हीं में से एक गधा था जिसका कोई दोस्त नहीं था। जंगल के सारे जानवर गधे को आलसी कहते थे और कोई भी उससे बात नहीं करता था। गधा बेचारा दिन भर दूसरों के बोझ उठाते रहता था। एक दिन गधा जंगल में राजा शेर के लिए भोजन ले जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे हाथी नजर आती है। हाथी गधे को देखकर कहती है, अरे ओ आलसी गधे, कहाँ जा रहा है तू? महाराज के लिए भोजन ले जा रहा हूँ। ठीक है, महाराज को भोजन देकर मेरे पास आना। आज शाम मेरे जन्मदिन की पार्टी है, काम बहुत है, समझा कि नहीं? अच्छा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो दोस्त, क्या मैं भी शाम को पार्टी में आ सकता हूँ? अरे ओ आलसी गधे, मैं कोई तेरी दोस्त नहीं हूँ समझा? और वैसे भी तुझे किसने पार्टी पर बुलाया है? जो काम बताया है वो कर। बेचारा गधा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। शाम को हाथी के जन्मदिन की पार्टी में सारे जानवर मजे कर रहे थे सिवाय गधे के। गधा बेचारा दूर खड़ा उस पार्टी को देख रहा था कि अचानक पार्टी में हाथी की तबीयत खराब हो जाती है। सारे जानवर परेशान हो जाते हैं कि तभी उल्लू वेद हाथी को देखता है और कहता है, देखो हाथी की तबीयत बहुत खराब है, इसे जल्दी से काली पहाड़ी पर 100 साल पुराने पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़कर लानी होगी जिन्हें खाकर हाथी ठीक हो जाएगी। हाथी की ये बात सुनकर लोमड़ी कहती है, मैं जाना तो चाहती हूँ पर मेरे पैर में मोच आई हुई है, मैं नहीं जा सकती। तुम में से कोई जाओ और वो पत्तियां लेकर आओ। अरे अभी तो ठीक थी, अभी ये पैर में मोच कहाँ से आ गई तुम्हें? इससे तुम्हें मतलब? तुम अपने काम से काम रखो। असल में कोई भी इतनी दूर जाना नहीं चाहता था। हर एक जानवर कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देख गधा हाथी के पास जाता है और उल्लू से कहता है, मैं वो पत्तियां ले आऊंगा, आप हाथी बहन का ख्याल रखिए। ये कहकर गधा भागता हुआ जाता है और वो पत्तियां ले आता है। हाथी उन पत्तियों को खाकर ठीक हो जाती है। उल्लू हाथी को सारी बात बताता है। ये सुनकर हाथी गधे से कहती है, दोस्त मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, फिर भी तुमने आज मेरी जान बचाई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? यूँ हाथी और गधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दिन गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक से जोरों की बारिश और आंधी शुरू हो जाती है। जंगल के सारे जानवर अपनी अपनी गुफाओं में थे। बारिश बहुत तेज थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 दिन बीत गए, जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे। वो ना तो शिकार के लिए जा पा रहे थे और ना ही अपने घरों से बाहर आ पा रहे थे। उसी तूफान में बंदर चिल्लाते हुए आता है, दोस्तों सब सावधान हो जाओ, बारिश की वजह से बांध कमजोर पड़ गया है और वो कभी भी टूट सकता है। ये सुनकर सारे जानवर डर जाते हैं। शेर महाराज एक आपातकालीन सभा बुलाता है। सारे जानवर शेर के पास पहुंचते हैं। देखो जैसे कि आप सब जानते हो, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है। जंगल के बाहर जो बांध बना है बारिश की वजह से वो कमजोर पड़ गया है और वो कभी भी टूट सकता है। अगर वो टूट गया तो हमारा सारा जंगल डूब जाएगा और हम मारे जाएंगे। महाराज अब हम क्या करें? यूँ सारे जानवर सोच में पड़ जाते हैं कि तभी गधा कहता है, महाराज हम उस बांध को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। अरे ओ आलसी गधे, तू चुप ही कर, उस बांध को मजबूत करना कोई मामूली बात नहीं है, समझा? महाराज मुझे लगता है कि हमें ये जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर तुरंत चले जाना चाहिए। हाँ शायद तुम सही कह रही हो। ये सुनकर हाथी कहती है, महाराज जैसे मेरे दोस्त गधे ने कहा, हम उस बांध को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं और गधा मिलकर ये काम करेंगे। पर तुम लोग ये कैसे कर पाओगे? हम दोनों जंगल से लकड़ी के बड़े बड़े कुंदे ले जाकर उसे मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तुम लोग अपनी कोशिश करो। हाथी और गधा बांध के पास जाते हैं।
बारिश बहुत ही तेज थी। गधा और हाथी लकड़े के बड़े बड़े कुंडे बारिश में ढोते हैं और बांध को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। वो सारा दिन जंगल से बड़े बड़े लकड़ी के कुंडे ढोकर बांध को मजबूत करते हैं और उसे टूटने से बचाते हैं। बारिश रुक जाती है, सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं और बांध के पास आते हैं। तब लोमड़ी कहती है, आज तुम दो दोस्तों की वजह से हम सब की जान बची है। अगर आज तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। प्लीज गधे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, प्लीज मुझे माफ कर दो। जंगल के बाकी के जानवर गधे और हाथी से माफी मांगते हैं। शेर महाराज गधे और हाथी की प्रशंसा करते हैं और उन्हें इनाम देते हैं। यूं जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। नीति, दोस्त तो कई सारे होते हैं, पर सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के काम आए।